ये कहानी है एक यश नाम के बच्चे की, जिसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। वो हमेशा अपने पिताजी से पूछा करता, माँ कब आएगी, माँ कहाँ गई है। उसे ये बात पता नहीं थी कि जब वो छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिताजी ने यश को बता रखा था कि उसकी माँ बहुत दूर गई है। यश के पिताजी बहुत पैसे वाले थे, वो यश को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। फिर भी यश अकेला बैठा हमेशा अपनी माँ के बारे में ही सोचा करता था। मेरी माँ मेरे साथ क्यों नहीं रहती, सबकी माँ तो अपने बच्चों के साथ रहती है। भगवान, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ को मेरे पास जल्दी भेज दो। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब यश भी बड़ा हो रहा था। यश हमेशा अपने पिताजी से एक ही सवाल किया करता कि माँ कब आएगी। एक दिन की बात है, यश स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तभी क्लास में पढ़ा रहे मास्टर जी ने एक एक करके सभी बच्चों से माँ के ऊपर कविता सुनी। सभी बच्चों ने तो कविता सुना दी, अब कविता सुनाने की बारी यश की थी। यश, अब तुम सुनाओ। यश ने कविता नहीं सुनाई और वो चुपचाप खड़ा रहा। वो कुछ नहीं बोला। मास्टर जी ने यश से फिर कहा, यश कविता सुनाओ, मैंने तुम्हें माँ के ऊपर कविता याद करके आने के लिए कहा था, फिर तुम याद क्यों नहीं करके आए। बोलो, तुमसे माँ के ऊपर एक कविता भी याद नहीं हुई। यश कुछ नहीं बोला। मास्टर जी ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ पड़ते ही यश बुरी तरह रोने लगा। तभी क्लास का एक बच्चा मास्टर जी से कहता है, मास्टर जी ये याद कैसे करके आता, इसकी तो माँ ही नहीं है। अब तो मास्टर जी को भी ये सुनकर बड़ा दुख होता है और वो यश को चुप कराने लगते हैं। मुझे पता नहीं था, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। वो स्कूल से छुट्टी के बाद सीधा अपने पिताजी के पास जाता है और अपने पिताजी से फिर वही सवाल करता है, पिताजी माँ कब आएगी, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती, माँ को बुला लो ना पिताजी। हाँ बेटा, माँ जरूर आएगी, जरूर आएगी। पर कब, आप हमेशा ही ऐसे कहते रहते हो पर ये नहीं बताते कि माँ कब आएगी। यश के पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचने लगते हैं, भगवान इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर था, इसने तो कभी अपनी माँ को देखा तक नहीं, मैं इसे कहाँ से माँ ला कर दूँ, कहाँ से माँ ला कर दूँ। इसी तरह दिन बीत रहे थे। दिवाली भी आने वाली थी। यश अपने पिताजी से कहता है, पिताजी माँ को बुला लो ना, इस बार मैं दिवाली माँ के साथ ही मनाऊंगा, वरना नहीं मनाऊंगा। आप लाओगे ना माँ को दिवाली पर। हाँ हाँ, इस बार तुम दिवाली अपनी माँ के साथ ही मनाओगे। फिर एक दिन, आज दिवाली थी और यश के पिताजी एक कमला नाम की औरत से शादी करके यश के लिए माँ ले आते हैं। यश, ये है तुम्हारी माँ। यश अपनी माँ को देखकर अपनी माँ से लिपट कर रोने लगता है, माँ आप आ गई, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास ही रहूंगी। यश अपनी माँ को पाकर बहुत खुश होता है। माँ, मेरी प्यारी माँ। यश की माँ भी यश को बहुत प्यार करती है। वो उसका हर तरीके से ख्याल रखती थी, जैसे एक सगी माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। फिर थोड़े दिनों बाद कमला के अपना बेटा होता है। फिर एक दिन यश के पिताजी को पता चल गया था कि उसकी पत्नी यश के साथ जायदाद के लालच में उससे प्यार का ढोंग कर रही है। यही सोचकर यश के पिताजी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद यश के नाम कर दी। ये बात यश की माँ को बर्दाश्त नहीं हुई और वो चाल चलने लगी कि कैसे सारा पैसा उसके हाथ में आ जाए। फिर एक दिन यश अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। तभी उसकी माँ आ जाती है। अरे यश बेटा, क्या कर रहे हो। माँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे, तुम्हें पढ़ाई की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही इतने होशियार हो, तुम्हें तो मालिक बनना है, पढ़ाई करके तो नौकर बनते हैं, बनोगे ना मालिक। हाँ माँ, मुझे मालिक बनना है, नौकर नहीं। माँ, मालिक कैसे बनते हैं। मालिक बनते हैं अपना घर का काम करने से, अपने खेतों में काम करने से। माँ, अब से मैं खेतों में काम करूँगा, घर का काम करूँगा, मुझे मालिक जो बनना है। कमला ने अपने बेटे को बाहर पढ़ने भेज दिया और यश से वो सारे काम करवाती थी जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था। यश अपनी माँ की हर बात मानने लगा था। यश अपनी माँ के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था। उसे लगता कि जो माँ कहती है वो ही सही है।
इसी बात का उसकी माँ फायदा उठाती थी। फिर वो हर वो काम करने लगा जो उसकी माँ कहती। इसी तरह यश बड़ा हो गया और एक दिन यश को एक लड़की से प्यार हो गया और उसने ये बात अपनी माँ को बताई। माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसका नाम निशा है और उससे शादी करना चाहता हूँ। अब यश की माँ यश को मना नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे दिखाना था कि वो उससे कितना प्यार करती है। फिर कमला यश की शादी निशा से करवा देती है। फिर कुछ दिनों बाद जब निशा को पता चलता है कि उसकी सास ने यश को इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि उसे हर चीज के हिसाब किताब के बारे में पता रहेगा, कमला ने उसे प्यार और अपनी ममता के जाल में बुरी तरह जकड़ लिया था। इसी बात का कमला हमेशा उसका इस्तेमाल करती थी। जब इस बात का निशा को पता चला तो उसने यश को बताया। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ धोखा कर रही है। ये बात यश को बर्दाश्त नहीं हुई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसीलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि तुम जायदाद और बाकी की चीजों का हिसाब लगा सको। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुन सकता। वो मेरी माँ है, उनमें मेरी जान बसती है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? यश और निशा में माँ को लेकर आपस में बहस हो रही थी तभी माँ आ जाती है। बहू, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने तो हमेशा यश को अपने सगे बेटे से बढ़कर माना है और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। तुम कैसी माँ हो जो बेटा तुम्हें अपनी जान से भी बढ़कर मानता है, जिसके लिए भगवान ही उसकी माँ है, और तुम अपने ही बेटे के साथ विश्वासघात कर रही हो? तुम तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। निशा की ऐसी बातें सुनकर यश आग बबूला हो जाता है और उसे मारने लगता है। निशा बार बार यश को समझाने की कोशिश कर रही थी पर यश की आंखों पर तो माँ नाम की पट्टी पड़ी थी जो उसे माँ के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। निशा मन ही मन सोच रही थी, माँ की सच्चाई तो मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। निशा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। निशा ने ठान लिया था कि वो यश के आगे माँ की सच्चाई ला कर रहेगी। फिर वो एक कारखाने का हिसाब यश के आगे समझाने लगती है। आपको पता है इस साल हमें कितना फायदा हुआ है और किस चीज में कितना पैसा लगा और कितना मुनाफा हुआ? नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। निशा यश को हिसाब किताब सिखाती और समझाती है। यश सीधा और बड़ा ही भोला था इसलिए माँ यश को बेवकूफ बनाकर हिसाब में ये दिखाती कि नुकसान हुआ है जबकि होता फायदा था। वो सारा पैसा अपने बेटे के लिए इकट्ठा कर रही थी, वो बेटा जो अपनी ही माँ को पैसों की खातिर छोड़कर चला गया था। फिर एक दिन कमला अपनी बहू को रास्ते से हटाने के लिए दूध में जहर मिलाकर उसे पीने के लिए देती है। निशा ने अपनी सास को जहर मिलाते हुए देख लिया था तो उसने ये बात यश को बताई। आपको पता है माँ जी ने मुझे मारने के लिए दूध में जहर मिलाया है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो जो मेरी माँ के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। एक बार को मैं भगवान को गलत मान सकता हूँ पर अपनी माँ को नहीं। ओहो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ठीक है, अब देखना यह है कि एक माँ की ममता जीतती है या तुम। तुम कह रही हो इसमें जहर है तो ये दूध मैं पी लेता हूँ। मुझे पता है वो मेरी माँ है। वो कभी किसी को मारना तो दूर, वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचा सकती। फिर क्या था, जहर वाला दूध यश पी जाता है अपनी माँ को सही साबित करने के लिए। उसकी माँ खड़ी देखती रहती है। तभी यश के मुंह से झाग निकलने लगता है तो यश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसकी माँ का सच यश के सामने आ जाता है। माँ, माँ, तुमने ऐसा क्यों? मैं तो तुम्हें अपना भगवान मानता रहा और तुमने ऐसा किया। माँ, माँ, जो कुछ भी था वो सब तुम्हारा ही तो था। मुझे तो बस माँ चाहिए थी। यश की तबीयत बिगड़ती जा रही थी तभी माँ के दिल से एक आवाज आई। ये ही तेरा सच्चा बेटा है जिसे तूने कभी अपना समझा ही नहीं। एक तेरा बेटा जिसने तुझे पैसों की खातिर छोड़ दिया। बचा ले अपने बेटे को, बचा ले, बचा ले। माँ तो आखिर माँ होती है, उसकी अंतरात्मा जाग जाती है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ यश को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाती है और उसे बचा लेती है और इस बार वो यश को सच्चे दिल से अपने कलेजे से लगा लेती है और सही मायने में जीत माँ और बेटे के प्यार की होती है।